हाय एवरीवन, दिस इज ब्रिजेश सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया सब्जेक्ट सीखेंगे जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज अ टेक्निक टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उसका कॉस्ट कितना लगा है, या कोई सर्विस देते हैं तो उसका कॉस्ट कितना लगा है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद होता है। दूसरा, एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट, खर्चा को कंट्रोल करने का। अब ये क्या होता है सर, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे एग्जाम्पल है पेन बनाए, ये पेन हम जब मार्केट में लेने जाते हैं तो 10 रुपीज का मिलता है, दैट इज द सेलिंग प्राइस। इसका कॉस्ट कुछ तो होगा 8 रुपीज, एंड 2 रुपीज प्रॉफिट होगा। तो 8 रुपीज कैसे डिसाइड किया कंपनी ने? एग्जाम्पल, अगर कंपनी बनाती गुड्डे बिस्किट 10 रुपीज का सेल करते, तो उसको बनाने में खर्चा कितना लगा एग्जैक्टली? अगर एक 5-स्टार चॉकलेट बनाते तो उसको बनाने में खर्चा कितना लगा है? उसको बोलते हैं कॉस्ट, समझे ना। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट या सर्विस, जैसे अमेजोन से अगर कोई सामान मंगाते हो तो वो लोग आपको सर्विस देते हैं, तो वो भी तो आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं ना, गुड्स को डिलीवर करने का खर्चा। तो इट इज ए टेक्निक टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। दूसरा, टू कंट्रोल द कॉस्ट, खर्चा को कंट्रोल करने का। इससे क्या होता है, प्रोडक्ट सस्ता बनेगा और लोगों को प्रोडक्ट सस्ता चाहिए रहता है, महंगा नहीं चाहिए। तो कॉस्टिंग का मकसद याद रखना, क्या मकसद होता है, टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, दूसरा टू कंट्रोल द कॉस्ट। और देखो, अपना खर्च, अपना घर पे भी कुछ खर्चा हम कंट्रोल करते हैं, जैसे जरूरत नहीं रहेगा तो हम फैन नहीं चलाते हैं, लाइट बंद कर देंगे, समझे ना। तो खर्चा को कंट्रोल करते हैं, ये हमारा मकसद होता है कॉस्टिंग का भी। अब ध्यान देना, एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट, जो कॉस्ट होता है उसका एलिमेंट क्या है। कॉस्ट मतलब कोई चीज बनाने में खर्चा कितना लगा। अगर मैं पेन मैन्युफैक्चर करता हूँ, फैन मैन्युफैक्चर करता हूँ, कार मैन्युफैक्चर करता हूँ, ट्रेन मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो सब में कॉस्ट लगता है। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट में खर्चा क्या क्या लगता है। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 3 होते हैं, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें 3 चीज लगता ही लगता है, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल में भी 2-2 मटेरियल लगता है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर में भी 2-2 होते हैं, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। और अदर एक्सपेंस के अंदर भी 2-2 लगते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आज का वीडियो में आपको यही समझाऊंगा, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, और डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। एग्जाम्पल है पेन बना रहे, तो पेन बनाने में जो टेंजिबल चीज दिखता है उसको मटेरियल बोलते हैं, इसको बनाया लेबर लोग ने, और कुछ खर्चा लगा उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। अब लेकिन हमें डिटेल में जाना है, तो ये तो समझ गया, प्रोडक्ट बनाने में 3 ही चीज लगता है, कोई भी चीज आप बना लो, पेन से लेके हेलीकॉप्टर तक कुछ भी बना लो, 3 चीज लगता है, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। अब क्या करना है नेक्स्ट, क्या होता है, जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को मिलाओगे तो उसको ओवरहेड बोलते हैं। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को मिलाओगे तो उसको ओवरहेड बोलते हैं। कॉस्टिंग में ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग ओवरहेड बोलते हैं कॉस्टिंग में। तो इसका ग्रुप बनाया है, ओवरहेड 3 होते हैं कॉस्टिंग में, एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड, OH मतलब ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उनका 3 डिपार्टमेंट होता है, एक होता है फैक्ट्री, एक होता है एडमिन, एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अभी पहले आज ये समझना है कि डायरेक्ट मटेरियल किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट किसको बोलते हैं, पहले ये समझते हैं आज पहले अच्छे से, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा ओवरहेड। अभी ये समझते हैं पहले कि मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल किसको बोलते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट मटेरियल आर द मटेरियल विच कैन बी इजिली आइडेंटिफाइबल, मतलब आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना मटेरियल लगा है। वी कैन ऑल्सो इजिली मेजर, हम उसको मेजर भी कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना मटेरियल यूज हो गया। And trace them directly to the production. They form part of the finished good. मतलब finished good जब हम बनाते हैं ना उसमें material लगता है। तो direct material क्या होता है? Direct material easily identifiable है, उसको easily measure कर सकते हो, और वो finished good का important part होता है। चलो example के थ्रू समझाता हूँ। जैसे example, देखो हम market से finished good खरीदते हैं, तो finished good बनता है raw material से, जिसको हम बोलते हैं direct material। बताया ना, मटेरियल 2-2 लगता है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। पहले मैं डायरेक्ट मटेरियल आपको समझा रहा हूँ, तो फिनिश को बनाने में डायरेक्ट मटेरियल लगता है। जैसे एग्जांपल, अगर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगा तो उनके लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, टिम्बर। अगर आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो उनके लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, मिल्क। इसके बिना तो प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते हैं।
अगर शुगर बना रहे तो ऑफकोर्स हमें शुगर कैन चाहिए, तो शुगर कैन विल बी द डायरेक्ट मटेरियल। अगर हम ग्राउंडनट ऑयल बना रहे तो ग्राउंडनट हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल होगा। अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या रहेगा, ब्रिक्स सीमेंट, वो हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल रहेगा। अगर हम बुक्स बना रहे हैं तो पेपर हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल रहेगा। अगर एक शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो लेदर उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल रहेगा। अगर हम क्लोथ बना रहे हैं तो ऊल हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल रहेगा। अगर हम टॉयस बना रहे, खिलौना बना रहे, तो प्लास्टिक हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल रहेगा। मतलब यही डायरेक्ट मटेरियल का बात कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट मटेरियल हम इसको मेजर कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना मटेरियल लग गया। ओके, इसीलिए बोल रहा हूँ डायरेक्ट मटेरियल इज इजीली आइडेंटिफाइबल, इजीली मेजरेबल एंड इट फॉर्म पार्ट ऑफ द फिनिश गुड। मतलब फिनिश गुड बनाने में ये लगता है, इसके बिना फिनिश गुड नहीं बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो सर कॉस्टिंग के अंदर जब फिनिश गुड हम बनाते हैं तो कॉस्टिंग में रॉ मटेरियल कितना यूज हो गया ये हमें पता लगना चाहिए। इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे पता लगाएंगे, लास्ट ईयर जो हमारा क्लोजिंग रॉ मटेरियल रहेगा वो बनेगा हमारा ओपनिंग रॉ मटेरियल, वो हम यूज करेंगे। एड कुछ हम मार्केट से और परचेस करेंगे, उसको बोलते हैं परचेस रॉ मटेरियल। जब अपन रॉ मटेरियल परचेस करते हैं दूर से तो लाने में खर्चा होता है, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड। अगर दिया रहेगा तो उसमें ऐड कर देना। तो ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल ऐड परचेस, लाने में जो खर्चा होता है उसको फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, जो भी दिया रहेगा वो ऐड कर देना। और क्या लेस करने का, क्लोथिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल क्यों लेस करने का सर? देखो रॉ मटेरियल लाए हो सब कस्टमर से हम लेंगे इसका पैसा, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल हमने यूज नहीं किया। क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब था कुछ रॉ मटेरियल हमने यूज नहीं किया फिनिश गुड को बनाने में, तो वो हम कस्टमर से नहीं लेंगे उसका पैसा, इसीलिए उसको लेस करना, लेस क्लोथिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल। तो क्लोथिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल हमने क्यों लेस किया, क्योंकि हमने इसको यूज नहीं किया, इसलिए क्लोथिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल लेस कर देना, इसका पैसा हम कस्टमर से नहीं लेंगे। सेकेंड, सेल और स्क्रैप और रॉ मटेरियल किसको बोलते हैं, जब हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाते हैं तो रॉ मटेरियल में कुछ वेस्टेज निकलता है जिसको बोलते हैं स्क्रैप। अगर वो बिकता है तो उसको बेचो, इससे क्या होगा प्रोडक्ट सस्ता बनेगा, क्योंकि मेरा जो पैसा था वो निकल गया ना बंगार बेच के, तो उसको लेस करने का, लेस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोथिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल लेस कर देना, लेस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ द रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग में परचेस ऐड करना, लाने में जो खर्चा होता है उसको ऐड कर देना, और दो चीज हमेशा लेस करना, क्लोथिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। जो आंसर आएगा उसी को बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिनिश को बनाने में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया उसका हिसाब इसी तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट, रेज्यूम करता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल समझा। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, वी कैन नॉट मेजर इजिली हाउ मच इनडायरेक्ट मटेरियल यूज इन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दे आर एक्सट्रीमली इनएक्सपेंसिव, या तो इनएक्सपेंसिव है, दे आर एक्सट्रीमली इनएक्सपेंसिव, या तो एक्सपेंसिव ज्यादा नहीं है, इनएक्सपेंसिव है। दूसरा, दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फिनिश गुड। तो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है जिसको आप इजिली मेजर नहीं कर सकते हो, दूसरा या वो इनएक्सपेंसिव है या वो फिनिश का पार्ट नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सोचो हम लोग ट्रक बना रहे, तो ट्रक बना रहे हो, कार बना रहे हो, तो ट्रक बनाने में डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या लगेगा, स्टील, आयरन, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, ग्लास, इंजन, टायर, ये तो मेन है ना, इसके बिना ट्रक बन ही नहीं सकता, दैट इज अ डायरेक्ट मटेरियल, एक्सपेंसिव ही होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा इसमें ट्रक में, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा ट्रक में, यूज ऑफ स्क्रू एंड बोल्ट फॉर ज्वाइनिंग द पार्ट्स। ट्रक का पार्ट जोड़ने के लिए स्क्रू और बोल्ट लगता है ना, दैट इज अ इनडायरेक्ट। उसको इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि As compared to the price of the truck, they are extremely inexpensive. कहाँ ट्रक का प्राइस, किधर स्क्रू और बोल्ट का प्राइस, ये स्क्रू और बोल्ट से कॉस्ट ऑफ द ट्रक को कुछ फर्क नहीं गिरता, ये एकदम इनएक्सपेंसिव होते हैं, समझे ना। नट बोल्ट जो लगता है ट्रक बनाने में, दैट इज इनडायरेक्ट, लेकिन जो मेन चीज लगता है दैट इज ए डायरेक्ट मटेरियल, समझे, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। नट बोल्ट जो लगता है ट्रक बनाने में वो दैट इज इनडायरेक्ट, लेकिन स्टील, आयरन, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, इंजन, टायर, ये सब लगता है डायरेक्ट मटेरियल, इसके बिना तो ट्रक बन ही नहीं सकता है, लेकिन ये भी है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझे ना। आगे बढ़ते हैं। अगर अपन फर्नीचर बना रहे तो फर्नीचर बनाने में डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, टिम्बर, उसके बिना तो फर्नीचर बन नहीं सकता है, लेकिन फर्नीचर बनाने में इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, नेल्स, वो जो खिल्ला वगैरह यूज होते हैं, तो नेल्स यूज टू होल्ड द टेबल टुगेदर। अभी एक फर्नीचर बनाने में कितना खिल्ला लग गया उसका अपन मेजर नहीं करते हैं ना, तो इनडायरेक्ट मटेरियल को हम मेजर नहीं कर सकते हैं कि कितना खिल्ला लग गया या ट्रक में कितना नट बोल्ट लग गया, समझे ना। थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ दो बात लिखा था मैंने, या तो वो एक्सट्रीमली इनएक्सपेंसिव, दो इनएक्सपेंसिव एग्जाम्पल दिया, या दूसरा डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फिनिश का मतलब होता है। थर्ड एग्जाम्पल सुनो,
वुड यूज टू मेक फर्नीचर, बरोबर है ना, वुड यूज टू मेक फर्नीचर इज ए डायरेक्ट मटेरियल। फर्नीचर बनाने में वुड यूज होता है ना, वो डायरेक्ट मटेरियल, इतना तो समझा। लेकिन उसी फैक्ट्री के अंदर सोप यूज होता है टू क्लीन द फैक्ट्री, बट वी यूज सोप टू क्लीन द फैक्ट्री फ्लोर नॉट टू मेक द फर्नीचर, तो सोप क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि हम ये नहीं बोलेंगे ना वो फर्नीचर बनाने में सोप लग गया है, समझे ना। फर्नीचर बनाने में वुड लगता समझता है, लेकिन फर्नीचर बनाने में सोप कहाँ लगा है? लेकिन सोप का इस्तेमाल किधर होता है? फैक्ट्री में, साफ सफाई में, तो ये भी तो लगा है ना। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फिनिश गुड। समझ में आ रहा है? तो इनडायरेक्ट मटेरियल समझा, तो मटेरियल दो लगते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। एक्सपेंसेस जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, एक्सपेंस जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। ये दोनों समझ गया विद एग्जांपल। अब ये समझते हैं लेबर, लेबर में डायरेक्ट लेबर किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट लेबर किसको बोलते हैं, ठीक है ना। लेबर में दो समझाता हूं अभी, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। अगर फैक्ट्री के अंदर 5000 वर्कर काम कर रहे हैं तो ये मत समझना सब जाके मशीन ही चलाते होंगे, कुछ वर्कर ही मशीन ऑपरेटर होते हैं, बाकी इनडायरेक्ट काम करते हैं। हर वर्कर अंदर फैक्ट्री में जाके मशीन नहीं चलाता है। तो सुनो, वेजेस पेड टू वर्कर डायरेक्टली एंगेज इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, जो लोग रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा वर्कर को पगार दोगे तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। इट इंक्लूड व्हाट? वेजेस एंड सैलरी इसके अंदर इंक्लूड होता है। अलाउंसेस देते हैं हम लोग वर्कर को, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, ओके, इंसेंटिव देते हैं, बख्शीस वगैरह देते हैं, पेमेंट ऑफ ओवर टाइम वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है पीएफ में, उसको बुढ़ापे में मिलेगा, अदर बेनिफिट भी मिलता है जैसे कि लीव विद पे, फ्री फूड एटसेट्रा। अभी एग्जांपल क्या ध्यान देना है इसका, मशीन ऑपरेटर, मतलब फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर लोग मशीन ऑपरेटर होते हैं उनको जो पगार देते हो उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। ओके, इसके बिना प्रोडक्ट बन ही नहीं सकते, क्योंकि यही लोग तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, समझे ना। तो डायरेक्ट मटेरियल समझा, अब समझते हैं इनडायरेक्ट लेबर किस, तो डायरेक्ट लेबर समझ में किसको बोलते हैं, जो लोग रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, दे आर द मेन मशीन ऑपरेटर। ओके, इनको जो पगार दोगे उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। अब समझते हैं इनडायरेक्ट लेबर किसको बोलते हैं। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर इज ए सेट ऑफ एम्प्लॉय हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वो प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द फिनिश गुड, बट दे सपोर्ट, वो हेल्प करते हैं, दे सपोर्ट द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। एग्जाम्पल, जैसे कि कंपनी में प्रोडक्शन सुपरवाइजर होंगे, इनका काम क्या रहता है, सुपरवाइज करने का। प्रोडक्शन सुपरवाइजर इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द प्रोडक्ट प्रोसेस एंड सुपरवाइजिंग द लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। जैसे एग्जाम्पल, कंपनी के अंदर पता चला 500 मजदूर है, अब 500 मजदूर लोग को देखने के लिए एक आदमी नहीं होगा ना, तो कैसा होता है, हर 10 आदमी को देखने के लिए एक सुपरवाइजर रहता है, हर 10 वर्कर को हैंडल करने के लिए एक सुपरवाइजर रखते हैं। तो सुपरवाइजर का काम केवल यही रहता है सुपरवाइज करने का, केवल सुपरवाइज करने का, देखने का कि वर्कर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है काम करने में। तो सुपरवाइजर काम क्या रहेगा कि वर्कर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है काम करने में, तो वो सुपरवाइजर काम करते हैं। तो ये सुपरवाइजर तो नहीं ना प्रोडक्ट बनाते, ये तो केवल सुपरवाइज करते हैं। अगर फैक्ट्री के अंदर कॉस्ट अकाउंटेंट होंगे तो इनका रिस्पांसिबिलिटी क्या होगा कि कॉस्ट पता लाना प्रोडक्ट का। अगर फैक्ट्री के अंदर हमने कॉस्ट अकाउंटेंट रखा होगा तो इनका रिस्पांसिबिलिटी क्या रहेगा कि प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट कितना लगा, वो उनका काम रहता है। तो ये लोग सर्विस दे रहे हैं। एचआर होगा तो एचआर डिपार्टमेंट क्या करती है, एचआर डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉय। वो एम्प्लॉय डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। एचआर डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन वेदर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या प्रोडक्शन से रिलेटेड ना हो, एचआर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट करेंगे ऐसा वर्कर का। ऐसे स्टाफ का रिक्रूटमेंट कौन करता है, एचआर डिपार्टमेंट। वो डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी काम कर सकते हैं। तो ये लोग भी सर्विस दे रहे हैं आपको, ओके, सपोर्टिंग सर्विस दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग ये क्या कर रही है, सेल्स एंड मार्केटिंग दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग एंड सेलिंग द फिनिश प्रोडक्ट इन टू द मार्केट। ये लोग काम क्या रहेगा, केवल मार्केटिंग करने का प्रोडक्ट का, ताकि अपना प्रोडक्ट कैसा बेचे कस्टमर को।
दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग एंड सेलिंग द फिनिश प्रोडक्ट इन टू द मार्केट. तो ओके, तो ये लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं करते, तो समझ गया ना. जो लोग रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते इनको जो पगार दोगे उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर. नॉर्मली ये कौन होते हैं? मशीन ऑपरेटर. इनडायरेक्ट लेबर कौन होते हैं? बता दिया, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, कॉस्ट अकाउंटेंट, ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स, मार्केटिंग. ये लोग प्रोडक्शन का काम नहीं करते हैं. ये लोग प्रोडक्शन का काम नहीं करते हैं, ये लोग सपोर्टिंग सर्विस देते हैं. ये लोग प्रोडक्शन का काम नहीं करते, ये लोग सपोर्टिंग सर्विस देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को. ओके, नेक्स्ट आते हैं थर्ड. तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में मटेरियल समझा दिया मैंने आपको, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, लेबर समझा दिया डायरेक्ट लेबर क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है. अब तीसरा समझते हैं एक्सपेंसेस जो होता है. डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं? एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर विच इज चार्जेबल. चार्जेबल मतलब प्रोडक्ट में एड करना है. एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर विच इज चार्जेबल. ये वर्ड इम्पोर्टेंट है. चार्जेबल का मतलब होता है हम प्रोडक्ट में एड करेंगे, कस्टमर से चार्ज करेंगे वो पैसा. चार्जेबल टू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर. एग्जाम्पल को थ्रू समझते हैं. एग्जाम्पल, रॉयल्टी नाम सुना होगा ना. रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होता है? जैसे मैंने बुक लिखा, बुक का नाम था बागबान. देखो बुक लिखने वाला कोई और होता है, पब्लिश करने वाला कोई और होता है. तो रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन का मतलब होता है, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है सेल. सोचो 10,000 बुक बनाए थे और 6,000 बुक ही सेल हो गया, तो अगर आपको पब्लिशर रॉयल्टी कैसा देगा? बोलेगा 10 रुपए पर बुक दूंगा. प्रोडक्शन के बेस पे देता है. अगर उसने बुक प्रिंट कर दिया उसके बेस पे दे रहा है तो उसको बोलते हैं रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन. लेकिन अगर पब्लिशर बोलता है कि मैं आपको रॉयल्टी बुक सेल के बेस पे देगा तो उसको बोलते हैं रॉयल्टी बेस्ड ऑन सेल. अब मैं बात करता हूँ रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन. अगर रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा. अगर रॉयल्टी बेस्ड ऑन सेल होगा तो सेलिंग ओवरहेड में आएगा. सेलिंग ओवरहेड ये इनडायरेक्ट खर्चा है, ठीक है ना. ये इनडायरेक्ट खर्चा है. मैं डायरेक्ट खर्चे का बात कर रहा हूँ, मैं इसका बात कर रहा हूँ. तो एग्जाम्पल, 10,000 बुक आपने प्रिंट किया था और एक बुक के पीछे 10 रुपए मुझे मिलेगा, तो इसको इंटू करने का 10,000 × 10 1 लाख. तो ये खर्चा है ना. अगर एक पब्लिशर बुक सेल करता है उसमें 3 खर्चा दिख रहा है ना. वो पेज डायरेक्ट मटेरियल है, उसको बाइंडिंग वर्कर ने किया डायरेक्ट लेबर, और उसमें और एक खर्चा है जो पब्लिशर ने ऑथर को दिया है, उसको बोलते हैं रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन. इसी को बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस. समझ में आ रहा है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन बोलेगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं. नेक्स्ट, और कौन सा खर्चा आएगा? तो सर डायरेक्ट एक्सपेंस एज्यूम करूं सर, हायर चार्जेस. हायर चार्जेस मतलब भाड़े पे लाए. हायर मतलब भाड़े पे लाए, रेंट पे लाए. तो हायर चार्जेस पेड फॉर हायरिंग स्पेशल इक्विपमेंट. सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है स्पेशल इक्विपमेंट. आपने कोई स्पेशल इक्विपमेंट लाया उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो उसका जो भाड़ा है उस कस्टमर से लोगे ना. हायर चार्जेस पेड फॉर हायरिंग स्पेशल इक्विपमेंट. इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. जैसे एक रूम होता है ना, एसी और नॉन एसी, एसी और नॉन एसी रूम. एसी रूम का रेंट अगर 1000 होता है तो नॉन एसी का 600 रहता है. देखो एग्जांपल, एयर कंडीशन नॉन एसी रूम और नॉन एसी रूम. नॉन एसी रूम 600 पर डे, एसी रूम 1000 पर डे. तो ये दोनों रूम तो सेम ही है ना, तो 1000 क्यों ले रहे? क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा स्पेशल इक्विपमेंट दिया है ना, इसमें एसी फिट किया है वो रूम में, तो उसका पैसा आपसे लेंगे ना. इसी को बोलते हैं स्पेशल. तो यहाँ पे कुछ स्पेशल सर्विस दिया ना आपको, तो उसका पैसा आपसे लेंगे ना. ऐसा नहीं होगा ना, एसी का पैसा नॉन एसी वाले से लेंगे. तो हायर चार्जेस पेड फॉर हायरिंग स्पेशल इक्विपमेंट. अगर कोई स्पेशल इक्विपमेंट आपने लेके आया है उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो उसका पैसा हम कस्टमर से लेंगे, डायरेक्ट उसी कस्टमर से लेंगे. नेक्स्ट, तो स्पेशल वर्ड याद रखो, कभी स्पेशल बोलेंगे ना तो समझ जाना डायरेक्ट एक्सपेंस है. मैं हिंट आपको दे रहा हूँ, स्पेशल बोलेंगे. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर स्पेशल डिजाइन. देखो एक वर्ड बोला फिर से, स्पेशल डिजाइन. एग्जाम्पल, एक 1000 रुपीज का भी साड़ी है और एक 10,000 रुपीज का भी साड़ी है. 1000 साड़ी में कोई डिजाइन नहीं बना है और इसमें कम से कम 5 किलो का डायमंड डाला है, तो इसका पैसा आपसे लेंगे ना. तो इसी को बोलते हैं स्पेशल डिजाइन. तो स्पेशल डिजाइन अगर उसमें किया है तो उसका पैसा आपसे लेंगे. नेक्स्ट, तो इसीलिए वर्ड याद ना, स्पेशल डिजाइन बोला है. तो दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर. स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बोला है. जैसे एग्जांपल, अगर आप एक लैपटॉप परचेस करते हो ब्रांडेड कंपनी से,
तो आपको वर्ड 30 डेज का ट्रायल देंगे, और बाद में अगर आपको पसंद आएगा तो बाद में आप परचेस करना। तो 8 से 10,000 खर्चा आता है। वही सोचो कंपनी लैपटॉप बेच रही है और उसमें वर्ड पहले से इंस्टॉल करके दिया लाइफ टाइम के लिए, तो उसका पैसा आपसे लेंगे ना, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसके अंदर, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, वो गुड्स और सर्विस देने में खर्चा हुआ डायरेक्टली तो उसका पैसा आपसे लिया जाएगा। समझ में डायरेक्ट एक्सपेंसेस याद रहेगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल याद करना, रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन, हायर चार्जेस फॉर हायरिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल सब याद रखना, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन डायरेक्ट एक्सपेंस है, हायर चार्जेस पेड फॉर हायरिंग स्पेशल इक्विपमेंट डायरेक्ट चार्जेस है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डायरेक्ट एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डायरेक्ट एक्सपेंस है, और कोई खर्चा जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर करते हो या सर्विस के ऊपर करते हो। समझ में आ रहा है। तो एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट एज्यूम करता हूँ समझा, एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट क्या बताया सर ने, प्रोडक्ट बनाने में 3 खर्चा लगता है स्टूडेंट, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। मटेरियल 2 होता है, डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल, और लेबर डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर, और एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस, और डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के जितना भी एक्सपेंस होगा उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, और तीनों इनडायरेक्ट को मिला होगा तो ओवरहेड बोलते हैं। ये जो कॉस्ट ऊपर लिखा था मैंने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब डायरेक्ट को साइड में लो और इनडायरेक्ट को साइड में लो, एक ग्रुप बनाया हुआ अलग से, ध्यान देना। तो जो कॉस्ट होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ही होता है, डायरेक्ट आइडेंटिफाइबल होता है, इनडायरेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या हो सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। और सुनो ध्यान देना, ये तीनों को प्लस करोगे ना, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। प्राइम मतलब सबसे पहला खर्चा, इसके बिना प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, नामुमकिन। ओके, और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या हो सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड किसको बोलते हैं, हर कंपनी का अपना खुद का फैक्ट्री होता है जहां पर वो प्रोडक्शन करता है। एडमिन ओवरहेड किसको बोलते हैं, हर कंपनी का एक हेड ऑफिस होता है जहां पर बैठ के वो कंट्रोल करते हैं पूरा फैक्ट्री को, ऑफिस को, सेलिंग डिपार्टमेंट को। एंड तीसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोडक्ट आजकल बिकता नहीं जल्दी, कंपटीशन का जमाना है, तो उसको सेल करने में, अपना सेल को बढ़ाने के लिए जो खर्चा करते हो उसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। गुड्स को घर पे पहुंचा के देने खर्चा, एडवर्टाइजमेंट करने खर्चा। कंपनी का 3 ओवरहेड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसके ऊपर डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, तो एज्यूम करता हूं आज से कंसेप्ट समझ में आया, व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एडिशनल वीडियो लेके, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, आपका कमेंट में रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन, बाय बाय। We'll be right back.